इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें नहीं पता होता है। सो गाइस, आज मैं वही आपके लिए लेके आया हूँ जो इसको सीखना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सीख लिया तो इंग्लिश की आपकी सीढ़ियाँ चलना स्टार्ट हो जाएगी। आज मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ वन बाय वन, कैसे आपको इसको सीखना है। आप इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, श्योर आपको समझ में आएगा। और जो भी आपका डाउट है, टेंस है, जो आप करते आ रहे हो, जो आपको समझ में नहीं आया है, समझ में ज़रूर आएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ गाइस। ये लिखा है डू। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम करते हैं लेकिन अभी नहीं करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं शराब पीता हूँ, तो आप कैसे यूज करोगे? पहला ये है, तो आप लिखोगे आई और एक्शन। तो एक्शन आपका क्या है? आपका एक्शन है टेक लीगर, आई टेक लीगर। कुछ काम ऐसे होते हैं जो मैं नहीं करता हूँ, क्या हम नहीं करते हैं। तो आप बोलोगे कि मैं शराब नहीं पीता हूँ, तो कैसे आप बनाओगे? मैं शराब नहीं पीता हूँ, आई डू नॉट। आप क्या लिखोगे? टेक। यही जो आपका एक्शन है, आप ये यूज करोगे, टेक लीगर, ये आप यूज करोगे। ऐसे आपको बनाना है। तो वेरी इजी। अगर हम बात करें कि अगर आपको क्वेश्चन कैसे बनाना है, जैसे मित्र ने पूछा, ये बोला भाई क्या आप कोचिंग जाते हो, तो कैसे बोलेंगे आप? तो कुछ करना नहीं है, डू है ना, डू को आप क्या करेंगे? लाएंगे आगे। डू यू, अब क्या है आपका सन? गो टू कोचिंग। डू यू गो टू कोचिंग, ऐसे यूज करोगे आप, गो टू कोचिंग। ऐसे आपको यूज करना है, ऐसे आपको इसको बनाना है। वेरी इजी है। अब बात करते हैं डिड। डिड आप कैसे बनाएंगे? डिड भी बहुत इजी है। जैसे ये लिखा है डिड, डिड भी हम यूज करते हैं बहुत जगह। अगर हमें डिड नहीं पता होगा तो अभी हमें प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले डिड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि डज कैसे यूज करेंगे। डज आपको तीसरे व्यक्ति के लिए यूज करना है, जिसे डू और यस लगाने से डज बनता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या वहाँ स्कूल जाता है? आप बनाओगे डज ही गो टू स्कूल। एग्जाम्पल आपका है डज ही गो टू स्कूल, ऐसे आपको बनाना है। वह स्कूल जाता है, ही गोज। अब यहाँ पे ई एस आपको जोड़ना है, ही गोज टू स्कूल, ऐसे आपको ऐड करना है। अगर नहीं जाता है, ही डज नॉट, क्या लिखोगे? ही डज नॉट, ही डज नॉट। अब गो आएगा क्योंकि आपने डज नॉट लिख यहाँ ई एस भर दिया है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, ऐसे आपको फिल करना है। वेरी जी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि मेरा भाई खाना नहीं खाता है, तो ये तीसरे व्यक्ति में आपका भाई आएगा। मेरा भाई खाना नहीं खाता है, कैसे यूज करोगे? माई ब्रदर डज नॉट टेक फूड, मेरा भाई कोचिंग नहीं जाता है, माई ब्रदर डज नॉट गो टू कोचिंग, ऐसे यूज करना है। अब आपको हम बताते हैं डिड आपको कैसे यूज करना है। डिड भी, डिड का हम यूज करते हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमारी पास्ट में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि कल मैं स्कूल नहीं गया था, ये पुरानी बातें हैं। जब पुरानी बातें हैं तो आपको यूज करना है कि कल मैंने संगम में कुछ देखा था, ये कौन सी बातें? पुरानी बातें हैं। तो मैं स्कूल गया था तो लिखना है आई वेंट टू स्कूल, ये आपको भरना है। अगर आपको बताना है कि मैं स्कूल नहीं गया था, फॉर एग्जाम्पल, तो आई लगाओ और डिड नॉट, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट। अब आपको लिखना है आई डिड नॉट गो टू स्कूल, ऐसे फिल करना है। वेरी इजी, ऐसे आपको बताना है। अगर हम बात करें कि क्वेश्चन आप कैसे बनाओगे, फॉर एग्जाम्पल, आपके मित्र बोला, ये बताओ भाई क्या आप कोचिंग गए थे, तो ये क्या है? डिड लिखा है, डिड को पहले ला दीजिए, डिड यू। आपको क्या फिल करना है? जो आपका एक्शन क्या है? गो टू स्कूल है, गो टू स्कूल, ऐसे आपको फिल करना है। डिड यू गो टू स्कूल, क्या आपने खाना खाया था शाम को, ये कौन सा है? पुरानी बातें हैं। डिड यू टेक फूड इन द इवनिंग, ऐसे आपको बताना है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमारे पास्ट में भी होते हैं। कल मैंने खान सर से मिला था, तो कौन सी बातें हैं? पुरानी बातें हैं। बहुत सारे ऐसे काम आपको जब भी करना हो तो आप डिड का यूज करते हैं पुरानी बातों के लिए, ठीक है? ऐसे आपको यूज करना है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया, ये भी हो गया। अब विल का यूज कहाँ करते हैं? विल का हम गैजेट यूज करते हैं फ्यूचर के लिए। विल का हम यूज किसके लिए करते हैं? फ्यूचर। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमारे भविष्य में आने वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मैं स्कूल जाऊंगा, अभी गए ना, जाओगे। कल मैं सर से मिलूंगा, कल मैं कोचिंग नहीं जाऊंगा, अभी आप गए ना, जाओगे।
तो क्या आपने बनाया है कि कल मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल, आपका क्या है एक्शन, गो टू स्कूल वो होगा, कल मैं खान सर से मिलूंगा, आई विल मीट खान सर, ऐसे भी आप यूज कर सकते हो, वेरी इजी है। ऐसे आपको बताना है, आपका एक्शन मान लीजिए आपका है क्रिकेट खेलना, कल मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले, क्या है आपका क्रिकेट, ऐसे बोल सकते हो। अगर खेलोगे आई विल प्ले, ऐसे यूज करना है। क्वेश्चन बनाना हो सामने वाले से पूछना, ये बताओ भाई क्या आप क्रिकेट खेलोगे, तो कुछ करना नहीं आपको, विल लिया हो यू को, ठीक है, विल विल यू प्ले, ऐसे आपको यूज करना है, वेरी इजी, ऐसे बताना है। अब हम बात करते हैं अगर तीसरे व्यक्ति की, अगर क्या बनाना है, मेरा भाई स्कूल नहीं जाएगा, तो कैसे बनाओगे, तो माई ब्रदर विल नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, वह स्कूल नहीं जाएगा तो क्या बनाओगे, ही विल नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल, ऐसे आपको यूज करना है। अब नहीं जाएगा तो ही लगाओ, विल लगाओ और नॉट लगाओ, वोंट भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है, ही विल नॉट, अब क्या यूज करोगे, गो टू स्कूल, ऐसे बनाना है। क्वेश्चन बनाना हो विल लाओ ही विल, अब आपका एक्शन जो भी है यूज कर सकते हो, विल ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाएगा, ऐसे आपको बनाना है, वेरी जी, इसी तरह करना है। वहाँ भगवान की पूजा नहीं करेगा, ही विल नॉट प्रे टू गॉड, क्या वह भगवान की पूजा करेगा, विल ही प्रे टू गॉड, करेगा वह भगवान की प्रार्थना करेगा, यानी पूजा, यानी अगर पूजा है तो वर्शिप होगा, ठीक है, वहाँ भगवान की प्रार्थना नहीं करेगा, ही विल नॉट प्रे टू गॉड, ऐसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, आपको बताते हैं वाच कैसे यूज करोगे, वाच भी बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज करोगे, वाच है और वर है, इसको आप कैसे यूज करोगे, ये लिखा है वाच, मैं स्कूल जा रहा था, यहाँ पे थोड़ा कुछ क्या है, अगर आप सोचोगे जा रहा था तो आपका काम भी चल रहा है और कुछ पास्ट में भी है, तो पहले पास्ट को लाओ, आई लगाओ फिर वाज लगाओ, अब एक्शन जो आपका है उसमें आपको आईएनजी ऐड करना है, क्या करना है, एक्शन प्लस आईएनजी आपको इसमें जोड़ना है, वेरी इजी है। जैसे आपने क्या बोला था कि मैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लड़ाई कर रहा था, तो क्या बनाओगे, आई वाज, एक्शन आपका क्या है, फाइट है, आई एफ लगाओ, जी एच टी आई एन जी जोड़ोगे, है ना, आई एन जी, आई वाज फाइटिंग, अगर नहीं कर रहा था लड़ाई, मैं लड़ाई नहीं कर रहा था, तब क्या यूज करोगे, आई वाज नॉट फाइटिंग, ये होगा, ऐसे आपको यूज करना है, वाज नॉट फाइटिंग, ठीक है, बहुत ईजी, ऐसे ही आपको बनाना है। अगर क्वेश्चन बनाना हो तो वो भी बना सकते हो, कुछ नहीं करना है आपको, मैं वो भी बता रहा हूँ कैसे बनाओगे, वर को पहले लाओगे, वर यू, अब एक्शन जो भी आपका है वो लीजिए, एक्शन मान लीजिए आपका क्या है, फाइट, वर यू फाइटिंग, क्या आप लड़ाई कर रहे थे, कैसे यूज करोगे, फाइटिंग, वर यू फाइटिंग, मैं लड़ाई नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट फाइटिंग, या फिर आई वॉजेंट फाइटिंग, ऐसे यूज कर सकते हो, मैं खाना नहीं खा रहा था, तब क्या होगा, आई वॉजेंट टेकिंग फूड, ऐसे यूज कर सकते हो। अगर आप तीसरे व्यक्ति के लिए अगर आपको बनाना हो तो वो भी आप बना सकते हो, कैसे आपको यूज करना है, वहाँ लड़ाई कर रहा था, ही वाज फाइटिंग, क्या आप यूज करोगे, ही वाज, एक्शन प्लस आई एन जी, एक्शन प्लस आई एन जी, तो कैसे आप यूज करोगे, वहाँ लड़ाई कर रहा था, ही वाज फाइटिंग, जैसे अभी उसको बना वैसे बनाना है, फॉर एग्जाम्पल वहाँ स्कूल जा रहा था, ही वाज गोइंग टू स्कूल, ऐसे आपको यूज करना है, नहीं जा रहा था ही लगाओ, ही वाज नॉट गोइंग गोइंग टू स्कूल, ऐसे ही आपको बनाना है। अगर क्वेश्चन बनाना हो क्या वह स्कूल जा रहा था, वाज ही अब क्या यूज करूँ, एक्शन प्लस आई एन जी, क्या वह स्कूल जा रहा था, वाज ही गोइंग टू स्कूल, ऐसे यूज करना है आपको, वेरी जी, ऐसे ही बनाना है,
कुछ करना नहीं, आपको ऐसे ही यूज करना है। अब हाई वर्जन में आपको मैं बता दिया हूँ, अब सूट का कैसे यूज करोगे वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। हाई वर्जन कम कम यूज़ करो, जब हमारा एक्शन समाप्त हो चुका हो तो मैंने आपको उसमें बता दिया पीछे वाली क्लास में, जैसे मैंने बोला कि मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव टेकन फूड, तो आई हैव प्रश्न की थॉट फॉर्म यूज उसमें करोगे। क्या उसने खाना खाया? हैज ही टेकन फूड। उसने खाना नहीं खाया? ही हैज नॉट टेकन फूड। आपने ये तो हमसे सीखा है, ये भी सीखा है, ये भी सीखा है, ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं सूड। सूड का हम कहाँ यूज करते हैं? बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, सूड का हम कब यूज करते हैं? सलाह के लिए। बहुत सारे ऐसे काम जो हम दूसरे को सलाह देते हैं, सलाह लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला भाई आपको संगम जाना चाहिए, आपको लड़ाई नहीं करना चाहिए, अपने अपने मित्र को एडवाइस दिया भाई तुम्हें लड़ाई नहीं करना चाहिए, यू शुड, अब क्या, नॉट, यू शुड नॉट फाइट, ये क्या है, आपने एडवाइस दिया, ये होगा। तो उसने कहा हाँ भाई मुझे लड़ाई नहीं करना चाहिए, आई शुड नॉट फाइट, मुझे नौकरी पाना चाहिए, तब क्या होगा, आई शुड गेट अ जॉब, हमें नौकरी पाना चाहिए, वी शुड गेट अ जॉब, ऐसे यूज कर सकते हैं आप, वेरी इजी है, अब कुछ करना नहीं है। अब हम बात करते हैं कैन का। कैन का हम कहाँ यूज करते हैं? ये भी मैंने आपको बताया, लेकिन मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, कैन का हम यूज करते हैं किसके लिए? बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमारे अंदर क्षमता यानी कि कैपेसिटी होती है, तो हम दूसरों को बताते हैं भाई मेरे अंदर ये क्षमता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अगर क्षमता है तो आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि भाई मैं नौकरी पा सकता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, भाई क्यों नहीं पा सकता हूँ, मैं नौकरी पा सकता हूँ, आई लगाओ, कैन लगाओ, ऑब्जेक्शन क्या है, गेट और जॉब, मैं नौकरी पा सकता हूँ, ये होगा। आपने कहा भाई मैं लड़ाई नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्षमता नहीं है, तुम ही बड़े हो, मैं लड़ाई नहीं कर सकता हूँ, तो क्या यूज करोगे, आई कांट। देखो मैंने कांट क्यों लिखा, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म कांट होता है, आई कांट, अब क्या होगा, जो भी आप एक्शन फाइट, आई कांट फाइट, मैं नौकरी नहीं पा सकता हूँ, आई कांट गेट जॉब, गेट और जॉब, ऐसे आप यूज कर सकते हो। और हमने ट्राई टू भी पढ़ाया था, ट्राई टू तो आपको पता ही बहुत सारे, तो ट्राई टू मैंने आपको वन बाय वन चैप्टर में आपको बताया है, बट थोड़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे इसको यूज करना है ट्राई टू, वो भी बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको आप यूज करोगे। ट्राई टू मीन्स होता है कोशिश करना और प्रयास करना। जैसे मैंने बोला कि मैं कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू, अब आगे जो भी आपका एक्शन है वो भी यूज कर, मैं कोशिश करता हूँ अंग्रेजी बोलने की, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, यानी एक्शन आप यूज कर सकते हो। मैं कोशिश नहीं करता अंग्रेजी बोलने की, आई, अब यहाँ पे यूज करोगे आई डोंट, क्या यूज करोगे, आई डोंट ट्राई टू एक्शन, ऐसे आपको यूज करना है। क्या तुम कोशिश करते हो अंग्रेजी बोलने की, डू यू ट्राई टू एक्शन, डू यू ट्राई टू एक्शन, ये तो हमने आपको सिखाया ही, ऐसे आपको यूज करना वेरी इजी है। अब आपकी सारी क्लास यहाँ से फिनिश, मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर बताऊँगा वन टू कैसे बोलते हैं। थैंक यू।